का जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है, अपनों के नामों कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। तो ये तुम हो जिसने ये हिम्मत की। मैंने तो सोचा था कि पुलिस वुलिस आई होगी। तुम्हारे पास है का जो कोई तुम्हारे बेटे को किडनैप करेगा? अबे कहीं ऐसा तो नहीं है पैसा के लालच में तुमने अपने बेटे को किडनैप कराने का ड्रामा रच दिया हो? ये आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। सही वक्त पे फोन नहीं किया तो बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। पापा ने हमेशा यही सिखाया है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान खुद आकर हमारी मदद करते हैं। अब इस तरह के छोटे मोटे खेल से काम नहीं चलेगा, अब तो हमें कुछ नया ही खेल खेलना होगा। हवलदार साहब, मेरा बच्चा कहाँ है? सब सब हवलदार, इनके बच्चों को लाओ। तू ठीक तो है ना बेटा? पापा मैं ठीक हूँ। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं। कहाँ चले गए थे मेरे बेटे? कहाँ चले गए थे? साहिब, आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तारीफ के असली हकदार हम नहीं कोई और है। साहिब, आप हमें उसका पता और नाम दीजिए, हम उस देवी से मिलना चाहेंगे। क्या नाम है? अच्छा, बाकी एड्रेस हवलदार से ले लेना। पापा, आप भी उस दीदी का एड्रेस ले लीजिए, हम भी उनसे मिलने जाएंगे। अगर वो नहीं होती तो मैं आज आपसे नहीं मिल पाता। हाँ बेटा, हाँ हम उनसे जरूर मिलेंगे, लेकिन बेटा पहले हम अपने घर चलेंगे। तुम्हारी माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, पहले हम अपने घर जाएंगे। चलो। धन्यवाद साहिब, चलो बेटा। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था कांचा, अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए थी। दीदी, अगर आप मेरी जगह होती ना तो आप भी उन बच्चों को बचाने के लिए वही करती जो आप कर सकती थी। आकांक्षा, हम जानते हैं कि तू जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अब तुझे दूसरों के अलावा अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, अपने घर वालों के बारे में सोचना चाहिए। अब परिवार की पूरी जिम्मेदारी तुझ पर टिकी हुई है। अगर तुझे कुछ हो गया तो माँ का क्या होगा, पापा का क्या होगा? दीदी, मुझे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी हमें पापा ने सिखाया है ना कि दूसरों को मुसीबत में देखकर हमें हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ अच्छा, लेकिन ये समय ये सब बातें सोचने का नहीं है। देख आकांक्षा, अब घर वालों की जिम्मेदारी तुझ पर है, पापा का ख्याल अब तुझे रखना है, और अगर तुझे ही कुछ हो गया तो फिर मैं ही क्यों, आप भी तो हो। दीदी, जितना ख्याल मैं रखती हूँ उतना ख्याल आप भी रख सकती हो। नहीं आकांक्षा, हम तो सिर्फ माँ पापा को दुखी दे सकते हैं। तुमने देखा नहीं कि आज हमारी वजह से माँ की क्या हालत, कितना दुखी है वो। नहीं बेटा, तुमने अपनी माँ को बहुत गलत समझा है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है,
क्योंकि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हाँ, मैं दुखी जरूर हूं क्योंकि मेरी बेटी के भाग्य में ये दिन लिखे थे इसका एहसास मुझे नहीं था। बेटा, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। मुझे भाई साहब ने बाहर बताया कि कल तुम क्या करने जाने वाली थी। क्या हुआ माँ, आप दीदी से नाराज क्यों हैं? ऐसा क्या करने वाली थी दीदी कल? आकांक्षा, कुछ नहीं। बेटा, मैं ये सोचकर शर्मिंदा हूँ कि क्या मेरी शिक्षा और मेरे संस्कार इतने कमजोर थे कि मेरी बेटी के बुरे दिनों में भी वो उसे सहारा नहीं दे पाए, संभाल नहीं पाए। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो तो फिर तृष्णा, आज के बाद कभी भी तुमने गलत कदम उठाने के बारे में सोचा भी तो याद रखना कि तुम अपने माँ पापा का अपमान कर रही हो, तो उनको सारी दुनिया के सामने गलत ठहरा रही हो। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी, आप किस बात की माफी मांग रहे हो? कुछ नहीं आकांक्षा, कृष्णा को ऐसा लग रहा है कि अगर वो हमारी जिंदगी से चली जाए तो हमें अच्छा लगेगा, हम परेशान नहीं होंगे। हमें माफ कर दो आकांक्षा, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। दीदी, हमने आपको यहाँ रहने दिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमसे अलग हो गई हो या फिर हमें आपके दुख का एहसास नहीं है। दीदी, हमने आपको सिर्फ यहाँ पर इसलिए रहने दिया है क्योंकि ये बात आपके सम्मान की है। आप पर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उन्हें गलत साबित करने की बात है, लेकिन दीदी, जिस दिन हमें ये लगेगा ना कि आपका यहाँ पे रहना जरूरी नहीं है, फिर आप चाहे लाख कोशिश कर लें लेकिन हम आपको यहाँ से ले जाएंगे, समझिए आप। दोनों बेटे हमारी जान हो, तुम दोनों के सिवा कुछ भी नहीं हो बेटा, कुछ भी नहीं। सुकन्या हमारी बेटियां। मेरा बेटा बबलू, उसे किसी ने किडनैप कर लिया। ओह, अच्छा 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 अच्छा, तुम्हारे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया, तो फिर तो दयाल उसने फिरौती भी मांगी होगी, है ना? उसने पूरे 30 लाख रुपए मांगे। 30 लाख? हाँ, अबे पगला गए हो क्या? 30 लाख क्या छोटी मोटी रकम है? आप ही तो है जो इतना पैसा मुझे दे सकते हैं। हमको मूर्ख समझ रहे हो और समझते हो कि हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे? तुम कहा समझते हो दयाल, तुमने जो काम किया है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। अबे पैसा फेंक कर हम तुम जैसे 10 आदमी खड़े कर सकते हैं, हमारा काम करके कोई तुमने हम पर एहसान नहीं किया है, समझे? पापा, पापा ये देखो कार्ड कैसा है। अरे बहुत अच्छा है बेटा,
लेकिन ये है किसके लिए? आकांक्षा दीदी के लिए। जब भी आप उनसे मिलेंगे ना, तब मेरी तरफ से उन्हें ये कार्ड दे देना। जरूर बेटा, जरूर दूंगा। सुनिए जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। उस देवी का धन्यवाद अदा करूंगी उसके पैरों में गिरकर, जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरे बबलू की जान बचाई। ठीक है, तुम भी चलना। लेकिन पहले मुझे एक जरूरी काम खत्म करना है। पहले वो काम खत्म कर लो, उसके बाद हम उसके पास भी चलेंगे। ठीक है, जब आप जाएंगे तो बता दीजिए। चल बबलू। भजनिया, कल कुछ गेस्ट आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस घर की सफाई बहुत अच्छे से हो। और साथ साथ ही एक मिनट, साथ में खाने में देखना कि इटालियन खाना बने। वैसे तो हमने कुक को कह दिया है, लेकिन उसे जो भी मदद की जरूरत होगी मदद कर देना। हम बाद में बात करते हैं। दयाल का फोन। मैडम, मैं समझौता करना चाहता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि समझौते के पीछे फिर कोई धोखा हो? नहीं मैडम, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, उसके बाद वो दयाल नहीं रहा। अब ये दयाल कोई और है। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मैं आपसे समझौता करना चाहता हूँ। तो ठीक है, हम भैया को भेज देंगे तुमसे मिलने के लिए। जो कहना है उनसे कह देना। नहीं 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 मैडम, ना भाई, ना पति, ना बेटा, ये बात हमारे और आपके बीच की है। पर हाँ, समझौता भी हमारे और आपके बीच में ही होगा मैडम। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब यही मैडम, जब भी आप मुझसे मिलने आएंगे, विशंबर को बगैर बताए आएंगे, चाहे आप इसे मेरी प्रार्थना समझें या शर्त। ठीक है दयाल, हम तुमसे मिलने आएंगे, लेकिन उसी शर्त पर कि तुम समझौते के बिना पर हमें वो सारे सबूत हमारे हवाले कर दोगे। ठीक है मैडम, और उन सबूतों की कीमत होगी 10 लाख। हमें मंजूर है। अब देखिएगा मिस्टर थापर कि मल्लिका अपने आसपास के जाल कैसे काटती है, और वो भी बिना किसी मदद के। मैडम, मैं समझौता करना चाहता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि समझौते के पीछे फिर कोई धोखा हो? नहीं मैडम, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, उसके बाद वो दयाल नहीं रहा। अब ये दयाल कोई और है। मैं आपसे समझौता करना चाहता हूँ। आज हमारी परेशानियों का हल हो जाएगा। पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है,
आज दयाल सारे सबूत हमारे हवाले कर देगा। अब आकांक्षा और इंस्पेक्टर अजय हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। क्या बात है बहना, आज तो बहुत खुश दिखाई दे रही हो। बात ही खुशी की भैया, अगर आप सुनेंगे तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो फटाफट सुना दो बहना, क्योंकि बहुत समय हो गया कोई अच्छा समाचार नहीं सुना है। बात दरअसल ये है भैया कि नहीं मैडम, ना भाई ना पति ना बेटा, ये बात हमारे और आपके बीच की है। पर हाँ, समझौता भी हमारे और आपके बीच में ही होगा मैडम। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब यही मैडम, जब भी आप मुझसे मिलने आएंगे विशंबर को बगैर बताए आएंगे, चाहे आप इसे मेरी प्रार्थना समझें या शर्त। क्या बात है बहना, बोलते बोलते रुक कहीं गई? दरअसल भैया हम सोच रहे हैं कि हम आपको सरप्राइज दें, जब काम पूरा हो जाएगा तब हम आपको बताएंगे। ओके, समझ गए बहना, हम समझ गए। कहीं ऐसा तो नहीं तुम हमें घूमने के लिए विदेश यात्रा पर भेजने वाली हो? हाँ भैया, जितनी मदद आपने हमारी की है ना, उसके बदले ये विदेश यात्रा बहुत छोटी सी बात है। हम चाहें तो आपको अपनी कंपनी में कुछ शेयर दे सकते हैं। अपनी कंपनी के शेयर? अरे बहना, ये कंपनी तो हमारी है ना। मतलब ये है बहना कि तुम कोई हमसे अलग थोड़े हो ना, हम बड़के भाई हैं तुम्हारे। तुम्हारे कंपनी हमारी कंपनी एक ही बात है ना, इसीलिए कह दिया बहना। और जब तक हम जिंदा है ना, तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। भैया आपने वैसे भी हमारी बहुत मदद की है और हमें आप पर पूरा विश्वास है। है ना, वो तुम खर्चे के लिए कुछ पैसा देने वाली थी ना, भूल गई शायद। ओ यस भैया,
सुकन्या हमारी बेटियां। ये मल्लिका जी अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं उन्होंने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया? दयाल, कैसी हैं मैडम आप? हमारे हालचाल की छोड़ो, काम की बात करो। सबूत लाए हो? हाँ मैडम। गुड मैडम, वो मेरे पैसे। हम अपना वादा नहीं भूलते हैं। तुमने जितनी रकम मांगी थी उतनी हम ले आए हैं। मैडम अगर एक बार दिखा देती तो। तुम में और हम में यही फर्क है दयाल, कि हम अपना वादा नहीं भूलते हैं, लेकिन तुम अपना वादा भूल गए थे। अब चाहो तो देख लो। सबूत, ये लो आपका सबूत। एक बात हम नहीं समझे दयाल, जिस सबूत के लिए तुमने हमसे सौदा किया है, उस सौदे की बात तो हमने पहले भी की थी। उस वक्त तुमने सबूत देने से इनकार कर दिया था, फिर आज अचानक तुमने अपना मन कैसे बदल लिया? मैडम, जब तक इंसान अपनों से धोखा नहीं खाता है, तब तक वो सपनों की दुनिया में रहता है। एक ऐसी दुनिया जब वो हर किसी को अपना समझता है, और एक दिन जब कोई अपना ही हमें ठोकर मारता है तो रिश्तों की सच्चाई हमारे सामने आती है। बस यूं ही समझिए, कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ है। सारी सच्चाई हमारे पास आ गई है, हम सब जानते हैं। हम समझे नहीं। आप नहीं समझ पाएंगे। खैर छोड़िए, आपके खिलाफ जितने भी सबूत थे वो सब मैंने आपको दे दिए हैं, लेकिन हाँ अभी भी एक सबूत है जो आपके पास नहीं है। वो इसलिए कि वो सबूत हमारे पास भी नहीं है। अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना, बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या सुकन्या।